रोजाना में फसल का पंजीकरण करने के बाद भी किसानों की सरसों की फसल नहीं बिक रही है। किसानों ने बताया कि हमने अपनी फसल का पंजीकरण करवाया हुआ है, लेकिन जब उचाना मंडी में फसल को लेकर आए तो उनके पंजीकरण में कुछ अपडेट की कमी की बात कर गेट पास नहीं काटा गया। ऐसे में किसानों को अपनी फसल वापस घर ले जाना पड़ा और किसान बेरंग घर लौटते नजर आए। कुछ परेशानी आई परेशानी नमी कोनी थी, मोटर पूरा पास है। अच्छा हाँ, और इसकी पंजीकरण करवा रखा है। पंजीकरण करवा रखा है ठीक है, और वो भी उठा नहीं रहा उसमें कंप्यूटर में पंजीकरण उठा रहा। पंजीकरण को उठा रहा। क्या समस्या हुई आपको? समस्या क्या था? समस्या होगी जी, बिकती तो कोनी, बिकती तो कोनी जी। मैंने 10 दिन में ठावे जी, फिर हम कैसे बैठे रहोगे? ट्रैली जुड़ी खड़ी है। अच्छा, में फसल तो किन्ने बार मैंने कर दिया था काम में ओले गेट दिए पूरे ठीक है, दोषी पसी कुछ ही हड़ी तंग हो रही है ठीक है। पंजीकरण भी करवा रखा है, मोटर ट्रैक आ गया पूरा है, पूरी सुखी सरसम है। या कंप्यूटर नहीं उठा जा, कहे हैं ये भी परेशान हो गया हम लोग। आपने पंजीकरण करवा रखा है? पंजीकरण करवा रखा है, पंजीकरण हो रहा है, हो रहा है, तो फिर कंप्यूटर नहीं उठा रहा? कंप्यूटर नहीं उठा रहा। आज जी ये मामला हमारे संज्ञान में आया था। ऐसे कई मैटर्स सुबह से मेरे पास लोग आ चुके हैं मिलने के लिए इस समस्या को लेकर के, तो इस संबंध में मार्केटिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई डाटा वेरिफिकेशन को लेकर के कोई इशू, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उसको लेकर के वो अपने संबंधित उच्च अधिकारियों से हेडक्वार्टर में बात करेंगे, और मैं भी अपने स्तर पर जो भी इसमें हेल्प हो पाएगी अपने स्तर पर मैं करूँगा, और उच्च अधिकारियों से बात करके इस समस्या का जो समाधान है जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे।